बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। होपफुली स्टूडेंट्स, यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर हॉलीडेज। टुडे द चैप्टर आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन बिफोर यू इज ऑफ इंग्लिश, चैप्टर नंबर 4, अनांसी एंड 5। प्लीज़ ओपन पेज नंबर 34 एंड नाउ लेट्स बिगिन, लेट्स डिस्कस दिस चैप्टर। बट बिफोर हैव सम रीडिंग एंड along with that we will also discuss this particular chapter. So let's begin and open your books. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. यानी कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक creature की यहाँ पर discussion हो रही है, बात हो रही है, और उसका नाम क्या था उस creature का, what is the meaning of creature basically? Anything that is created, it can be living thing and it can be non-living thing. So there live a creature called Anansi. Sometimes Anansi was a spider, sometime he was a man. यानी कि कभी कभार जो ये जो करेक्टर, जिस करेक्टर पर फोकस हो रहा है, जिस करेक्टर की बात हो रही है, उसका नाम क्या था, Anansi. Sometime Anansi was a spider. कभी कभार Anansi जो है वो किस करेक्टर में होता, किस तरह से नज़र आता, as a spider. And sometime he was a man, and other time he was a strange mix of two. Again, because sometime he is a spider, sometime he is a man, and sometime he is performing like both. Like sometime he is performing, he is a spider and the man as well. Anansi was a trickster. What is the meaning of the word trickster? Trickster is one who play the tricks. So Anansi, he was a trickster and he was having a very difficult time. Here comes a question in your mind, that why he is facing difficult time? Because he had no money to buy food for his family. He has shortage of money. So that's why that was his difficult time. As he walked around the village early one morning, ek dafa subah wo he was walking around the village, apne village mein he was walking, वो चल रहा था morning, in the morning he had a scowl on his face. So what does the meaning of the scowl? Scowl means angry expression. यानी कि जो उसके चेहरे के तासुरात थे वो कुछ अच्छे नहीं थे. And a growl in his stomach. What is the meaning of growl? The word growl means बरबराना, इनके stomach में से आवाज़ आना. Passing by a neighbor's house, अब वो village में घूम रहा है Anansi, और वहीं पे उस कहाँ से गुजरा है, अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी के घर के पास से गुजरा है. Anansi heard something that pleased him. उसे कुछ ऐसी आवाज़ आई जो जिसे उसने अट्रैक्ट किया उस आवाज़ ने. द नेबर वॉज एन ओल्ड विच. वॉट इज़ विच? विच इज़ बेसिकली अ लेडी हु डू मैजिक. सो शी वॉज एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच हु बिकेम फ्यूरियस. जिनके जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता था वेन एवर एनी वन सेड हर नेम. अच्छा, एक घर के पास से गुजरा Anansi और नेबर्स के घर के पास से उसे कुछ आवाज़ दी जिसे वो अट्रैक्टिव, वो आवाज़ उसे लगी, और वट हैपन्ड? अब उसकी जो नेबर थी, शी वॉज एन ओल्ड विच, शी वॉज एन एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच हु बिकेम फ्यूरियस. जिसे जल्दी गुस्सा आ जाता था वेन एवर एनी वन सेड हर नेम. जब भी उसके नाम से उसे कोई बुलाता तो उसे गुस्सा आ जाता, उसे अच्छा फील नहीं होता. शी हेटेड हर नेम, क्योंकि उसे अपने नाम से प्यार नहीं था. शी हेटेड हर नेम, उसे अपने नाम से नफरत थी. ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लॉफ्ड और लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन दे हियर व्हाट हर नेम वॉज. जब भी लोगों को पता चलता कि उसका नाम क्या है, लोग उसका मजाक उड़ाते, हंसते और हैरान होते. तो दैट्स वाई, जिसकी वजह से जो विच है उसे अपना नाम अच्छा नहीं लगता था. कैन यू गेस व्हाट हर नेम वॉज? इट वॉज 5. Anansi पीक थ्रू अ गैप इन द विच फेंस. Anansi ने क्या किया? Anansi पीक थ्रू मीन्स झांका, ग्लैंस्ड थ्रू अ गैप. अब ये आपको यहाँ पे गैप नज़र आ रहे हैं, फेंस. अब इस फेंस के अंदर जो गैप है, यहाँ से Anansi, इट इज़ ही, दिस इज़ Anansi एंड दिस इज़ अ विच. सो Anansi जो है वो उस गैप से उसने झांका कि मैं देखूँ हो क्या रहा है. शी वॉज स्टिरिंग हर बिग कुकिंग पॉट एंड मटरिंग एंड मम्बरिंग अ स्मेल. वट विच इज़ डूइंग? विच क्या कर रही थी एट दैट टाइम? व्हेन Anansi लुक्ड फ्रॉम द फेंस, शी वॉज स्टिरिंग हर बिग कुकिंग पॉट. अपने पॉट में हिला रही थी, किसको
ठीक है, किसको कर रही थी, बट शी वॉज स्टेरिंग द पॉट एंड शी वॉज मिक्सिंग द स्पेल. सो होपफुली स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पेज. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.